मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी। थाना हिंगपुर दीपा क्षेत्र में दबंगों द्वारा एकल मजदूर परिवार को पीटने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पुलिस द्वारा पीड़ितों का मेडिकल करा दबंगों के विरुद्ध मुकदमा कायम कर दिया गया है। वहीं पीड़ित दबंगों की साय में रहने को मजबूर है। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम गांगू नंगला का है, जहां निवासी अनीस पुत्र मुन्ने खान ने थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि दबंग पड़ोसी दिलशाद व शहजाद पुत्र गनबुंदू हांजी निवासी गन गांगू नंगला, अब्दुल रहमान पुत्र शाबिर करीम पुत्र नीमू निवासी गन गांगू नंगला ने उनके घर आकर उन पर व उनकी महिलाओं पर उस समय हमला बोल दिया, जब वह छत से मलबा उतार कर नीचे गिर रहे थे। पीड़ितों ने बताया कि अनीस व उसकी पत्नी रेहाना व पुत्री गुल्लों के काफी चोट आई है, जिन्हें मेडिकल के लिए भेजा गया है। वही पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर दबंगों के खिलाफ धारा 323, 504 व 506 में मुकदमा कायम कर लिया है। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की जनादेश भारत न्यूज चैनल पर यह रिपोर्ट। हर खबर पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। देखिए हर खबर सबसे पहले। ये चोट लग रही है, क्या मामला है? ये चोट लग रही है, हमारा गुम चुप फंटियों से मारा हमें। किसने? उन्होंने हमारे पास में शहजाद दिलशाद। क्यों इन्होंने मारा? हमारा घर उनका घर में जिम्मेदार है, काश्तकार है, हम फकीर है, इन्हें निकालो यहाँ से, मारो। 60-70 बीघे का काश्तकार है। कहाँ के रहने वाले? गांव नंगला। अच्छा, थाने पाए हो? थाने पाए सर, हम गरीब आदमी है, हमारे घर में घुस के मारा उन्होंने, 3-4 लड़के थे। कौन कौन थे, नाम बता? एक अब्दुल रहमान था और जी एक दिन साथ थे, एक सरवों का सवाल। अच्छा, क्यों मारा जी? मारा कुछ नहीं है, उनके थोड़ी सी जिन्ने पर हमारी लकड़ी रखी थी ममटी की, तो उसके ऊपर उन्होंने मारा। महिलाओं को मारा है? तीन महिलाओं को भी फंटी फंटी बजे घर में घुस गया और ये हमारा ताला वाला तोड़ा घर का, उसमें सामान वामान ले जाए, मोबाइल ले जाए। FIR लिख ली थाने में? FIR लिख ली सर, उन्होंने मेडिकल भी कराया। अब देखिए कह रहे हैं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।